हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिफेंस स्टडी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स का प्रिपरेशन। ट्रिगोमेट्री चैप्टर लेकर आया हूँ और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। SSR, AMR और एयरफोर्स के लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रिगोमेट्री का आपसे क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड में आंसर दीजिएगा, ठीक है? तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और इस चैनल पर अगर आप नए आए तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। और इस वीडियो पर 100+ का लाइक का टारगेट है, आप जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की ओर से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 15 cot θ = 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो देखिए, 15 cot θ, फाइंड द वैल्यू ऑफ पूछ रहा है थीटा, और ये 10 θ का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर पहले समझाते हैं आपको। इक्वल टू 8, तो cot θ बराबर 8/15, और 8/15 क्या होता है हमारा, 8/15 होती क्या है मेरे भाई? सबसे पहले तो एक फिगर बनाना होगा आपको, ठीक है? फिगर बनाने के बाद ये होता है हमारा b बाई पी होगा, तो b हमारा 8 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल है, और p हमारा जो होगा वो 15 यहाँ होगा। ये निकालेगा तो 17 आ जाएगा, 289 आ जाएगा, अंडर रूट इक्वल टू 17 आ जाएगा, ठीक है? ये दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, ये प्लस कीजिएगा, इतना तो आप जानते होंगे। तो ये हमारा 17 आ गया। पूछ रहा है 10θ, 10θ हमारा क्या होता है, p/b होता है। चलिए, p/b हो गया, तो p हमारा 15 है और b हमारा 8 है, तो इसको भाग दीजिएगा, 1.3 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर दिया है, बस यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। हर एक टाइप में अलग अलग क्वेश्चन हैं। चलिए, 5 sin θ, फिर 12 cos θ इक्वल टू 13, फाइंड द 10θ पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अगर इस टाइप के क्वेश्चन आया जाए तो इसको p मानना है, ठीक है? इसको b मानना है और इसको h मानना है। अब पूछ रहा है 10θ, 10θ क्या वैल्यू होती है, 10θ का फार्मूला क्या होता है, p/b, ठीक है? p/b है, तो p हमारा 5 हो गया और b हमारा 12 हो गया। तो 5/12 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, ए नंबर ऑप्शन नंबर। बहुत ही ईजी है और आपसे इस टाइप के क्वेश्चन 10 सेकंड में आंसर दीजिएगा। हर एक टाइप की बता रहा हूँ, हर एक टाइप का बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ईजी क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आप सॉल्व कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं बहुत ईजी बताएगा, ठीक है? देखिए, फिर से वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है? देखिए, इसको p मान लिए, इसको बी मान लीजिए। बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनियस, पी मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है? अब देखिए इसको क्या, 10θ पूछ रहा है, तो 10θ बराबर b/p होता है। b/p क्या होता है, 15/8, तो 15/8 ऑप्शन में ढूंढिए, 15/8 नहीं, p/b होगा, ठीक है? p/b होगा, और इसके बाद 8/15 p/b होता है, ठीक है? तो 8/15 होगा, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर। और देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे दिया तो बहुत ही आप उजरा दीजिएगा, लेकिन इसको हम आपको देखें, इसको p मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको h मान लीजिए, ये पूरे को h, इसको पूरे को b, और पूछ रहा क्या है, 10θ पूछ रहा है, कुछ भी cos θ पूछ रहे, तो cos θ का फार्मूला जानते हैं, वो लगा दीजिए। फार्मूला नहीं, cos θ का क्या होता है, p, ठीक है? तो b/h हो जाएगा, तो b/h लगा दीजिए, b ये है और h ये है, एच ये है, इतने बटे इतना, लेकिन यहाँ पर 10θ पूछ रहे, 10θ बराबर क्या होता है, p/b होता है, तो p हमारा कितना है, a² - b² / 2ab। अब देखिए ढूंढिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है b करेक्ट आंसर है। बस इसी तरह से बनाना है, ठीक है? और मैंने बोला था मैथ्स में अगर ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप में बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइप में, इससे पहले हम नेक्स्ट टाइप जान लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट टाइप है, क्योंकि यहाँ पर sec²θ हो गया। चलिए जानते हैं नेक्स्ट टाइप। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ी सी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आप लोग को बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है? आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, 1 + tan²θ × cos²θ, अगर यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, टेन या कॉस या साइन रे, साइन कॉस टेन रे, तो देखिए क्या करना है, साइन कॉस टेन रे अगर इस टाइप के क्वेश्चन में, तो उसको 0° मान लेना है, थीटा बराबर 0°, ठीक है? तीनों को, तो साइन 0° 0 होता है, कॉस 0° 1 होता है, और टेन 0° 0 होता है, ठीक है? तो ये याद रखना है, सिर्फ कॉस का 1 होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए, 1 + tan²θ और cos²θ ये है, तो इसको 0° मानेंगे, तो 0 होगा, 1 + 0 × cos²θ का, तो 1² का हो जाएगा 1, इसको 0° मानेंगे तो थीटा को, तो 1 होता है, ठीक है? 1² कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 + 0 तो 0, 0 + 1 तो 1 ही होगा, और × 1, तो 1 आंसर हमारा इस करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। 1 + tan²− sin 1 - sin, देखिए यहाँ पर साइन और यहाँ पर कॉस है, ठीक है? तो आपको बताते हैं तुरंत। देखिए, यहाँ पर टेन और साइन है,
टेन और साइन है, तो इसी को बस वही टाइप में बनाना है। वन प्लस टेन का क्या होता है, जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर जीरो ही हो जाएगा। देखिए आप, वन माइनस साइन का जीरो, वन प्लस जीरो, ठीक है। इसको जीरो डिग्री मानना, इसको जीरो डिग्री, इसको जीरो डिग्री, जीरो डिग्री का जीरो जीरो हो जाएगा, तीनों का जीरो हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, वन माइनस जीरो तो वन हो जाएगा। चलिए वन इंटू कीजिएगा तो वन ही हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन छूट गया, ठीक है, ये क्वेश्चन वही करवाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, वन प्लस जीरो, सेम एज क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसका भी आंसर जो होगा वो वन हो जाएगा, ये सेम एज क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बनाने में आपको सिर्फ 10 सेकंड का वक्त लगेगा, ठीक है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको कॉस है, साइन है, साइन है, कॉस है, कॉस है, साइन है, कॉस है, साइन है, ठीक है। तो कहीं पर टेन नज़र आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉट और सेक और कॉसेक नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर वो आ जाता है तो उसको हम नेक्स्ट टाइप में कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन हो जाता है, कॉस क्यूब है तो वन का क्यूब, प्लस साइन का क्यूब है तो जीरो का क्यूब, बटे कॉस का वन प्लस जीरो, इतना समझिए, जीरो डिग्री में हम सभी को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लस कॉस का क्यूब, वन का क्यूब माइनस जीरो, ठीक है, जीरो का क्यूब, और यहाँ पर वन, और यहाँ पर माइनस जीरो, इतना करने के बाद देखिए वन प्लस जीरो तो जीरो, वन प्लस जीरो तो वन हो जाएगा, बटे में वन, ठीक है, तो वन बटे वन, हाफ हाफ, यानी कि वन, देखिए वन प्लस वन, तो इसका आंसर हो गया टू। देखिए बहुत ही इजी मेथड से सभी को जीरो डिग्री में कवर करना, ठीक है। साइन का जीरो डिग्री क्या होता है, जीरो होता है, कॉस का जीरो डिग्री वन होता है, टेन का जीरो डिग्री वन होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो बस इसी टाइप के बनाइएगा, और आपके पास अगर कोई बुक है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत ही कम समय में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं जल्दी से, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, बहुत ही ईजी मेथड से। चलिए इसका जवाब देना चाहते हैं दे दीजिए जल्दी से, नहीं तो हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, और इसी टाइप का नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, और मैथ्स का बहुत बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैंने उतारा हूँ, क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है। देखिए वन माइनस टू इंटू जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, और नेक्स्ट देखिए वन प्लस जीरो, वन माइनस जीरो, और ये प्लस है तो वन माइनस जीरो, वन प्लस जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वन माइनस जीरो तो जी वन हो गया, और यहाँ पर वन बाय वन, देखिए प्लस है वन बाय वन, तो क्या हो गया इसका आंसर, वन वन इन टू है और ये टू है, तो इसका आंसर टू हो गया। तो चलिए इसका आंसर देते हैं टू, बहुत ही ईजी। और इस वीडियो को अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, अगर आपको नेक्स्ट टाइप चाहिए तो कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक करिए, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नाते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।